हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी टिकी और स्वागत है आपको अपने ही चैनल टिकी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। थैंक्स टू गॉड जो मेरा पिछले वाला वीडियो आप लोगों के पास पहुंच पाया, आप लोगों के साथ शेयर हो पाया। बहुत खुशी है मुझे, आप लोगों का प्यार ही है जो मैं फिर से आप लोगों से मिल पाई। जैसे कि इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, मैंने शेयर किया हुआ है गंगूबाई का मेकअप। ये उसका दूसरा पार्ट है, इसमें आप देख पाएंगे गंगूबाई का हेयर स्टाइल। तो चलिए फटाफट हेयर स्टाइल शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती जाऊंगी। अभी तो जो हो रहा है आप देख पा रहे हैं, अच्छे से बालों को कंघी करके मैं बीच का मांग निकाल रही हूँ अच्छे से। ये मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, देखते जाइए, क्योंकि बीच में जिसका मांग नहीं होता है ना, साइड से निकालते हैं या फिर नहीं निकालते हैं, तो बीच का मांग निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। थोड़ा धीरे आराम से निकालना होता है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो के थीम के ऊपर बात करते करते शायद वीडियो ही ख़त्म ना हो जाए और मैं जो बोलना चाहती हूँ वो बात आपसे बोल ना पाऊँ, इसीलिए बोल दे रही हूँ अभी से। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो देखना पसंद आता है, जो कोई नए हैं अगर पसंद आता है तो वो लोग सब्सक्राइब भी करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फटाफट, ये हो गया हमारा मांग निकल गया। उसके बाद देखिए पीछे के तरफ जितना बाल है उसको मैं एकदम से पीछे के तरफ पकड़ के अच्छे से दोनों तरफ ऐसे कुछ बाल निकाल रही हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद बाकी जितना बाल बचा हुआ है उसको हम अच्छे से पीछे फोनी कर देंगे, अच्छे से कॉम करके तो फोनी कर देंगे। उसके बाद हम देखिए, और एक इससे आपको टिप्स या ट्रिक्स जो भी बोलिए मिल जाएगा। देखिए मेरा बाल जो है कितना छोटा है, मेरे ये छोटे से बाल में भी मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है नहीं ये जुड़ा वाला हेयर स्टाइल हमारे बालों में नहीं हो सकता है, हमारे बाल इतने छोटे हैं, सिर्फ लंबे बालों में ही ये सब ठीक लगता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मेरे बाल कितने छोटे हैं फिर भी मैं ये जुड़ा वाला हेयर स्टाइल बना रही हूँ और बहुत फिनिशिंग से बना रही हूँ। ऐसा नहीं कि इधर से बाल निकलेगा उधर से बाल निकलेगा, एक्चुअली मेरे फ्रंट बाल भी काफ़ी छोटे हैं, फिर भी हम उसको भी अच्छे से सेट कर देंगे। तो पीछे की तरफ हमारा टाइट पोनी बन गया है और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे डोनट। तो काफ़ी इजी हो गया है ये डोनट, मार्केट में आने के बाद काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल बन जाता है फटाफट इससे। तो देखिए इतने छोटे से बाल में भी मैं अच्छे से बना लूँगी। उसके बाद डोनट के ऊपर हम बालों को कुछ इस तरह स्प्रेड करेंगे कि चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड हो जाए और वो ढक जाए। उसके बाद अच्छे से हाथ से पकड़ के उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का रबर बैंड चढ़ा देंगे कुछ इस तरह से, जैसे आप देख पा रहे हो मेरा पतला है तो उसको मैं दो राउंड लगा रही हूँ। आप अगर आपका टाइट रबर बैंड है ब्लैक कलर का ही लीजिए तो आप एक राउंड भी लगा सकते हो। और उसके बाद बचा हुआ जो बाल है उसको कुछ हम उसके चारों तरफ ही ऐसे रैप करके अच्छे से यू पिन से सेट कर देंगे। आपको एक पिन लगाओगे ऐसा कुछ नहीं है, आप 3, 4, 5 जितना भी यू पिन से सेट करना चाहो सेट कर सकते हो, क्योंकि छोटा बाल है तो ज़्यादा सेट करना पड़ेगा हमें, तो छोटा छोटा बाल इधर उधर निकलेगा, तो अच्छे से पिन से सेट कर दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये बन गया हमारा प्यारा सा जुड़ा। अभी सामने के जो बाल हैं उसका काम शुरू होगा, तो इसको हम बनाएंगे साइड साइड पोनी। तो देखिए एक तरफ मैं अभी बनाना शुरू करूँगी, तो धीरे धीरे मैं हल्के हाथ से बनाती जा रही हूँ, आप देखिए। बस देखिए मेरे बाल जो है वो फ्रंट से कटा हुआ है, ज़्यादातर कट ही रहता है, सारे कोई कट कर लेते हैं तो बहुत दिक्कत होती है ऐसे में इस तरह का हेयर स्टाइल, फिर भी मैं बना रही हूँ। आप शुरू से ना अगर इस तरह का हेयर स्टाइल बनाना है तो आप टाइट पोनी बनाइए, उसके बाद चाहे आप थोड़ा खींचो उसको ढीलापन देने के लिए, लेकिन पहले उसको टाइट पोनी ही बनाते जाइए, नहीं तो वो छोटा छोटा बाल जो है वो फिसलेगा, हाथ में नहीं आएगा। तो देखिए मैं पोनी बनाती जा रही हूँ, उसको लास्ट तक बनाना है, पूरा बाल एंड तक हमें पोनी बनाते जाना है। तो देखिए उसके बाद बन जाए, उसके बाद क्या करना है, देखिए ये हमारा पूरा पोनी बन गया।
इसके बाद उसको भी पीछे के तरफ लेके, देखिए जुड़ा के पास लेके हमें पिन अप कर देना है। बेबी पिन से मैं सेट कर लूँगी या फिर क्लिप से, आप कुछ भी जो क्लिप आपको ठीक लगता है उस पिन से आप सेट कर लीजिए। और जो बाल बच्चा हो आपका उस जुड़े के चारों तरफ ही उसको भी सेट कर लीजिए। तो एक तरफ बन गया हमारा, अभी दूसरा तरफ भी उस सेम पैटर्न से हम बनाना शुरू करेंगे। इसको भी ऐसे ही देखिए हल्के हाथ से मैं बनाती जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा बाल साइड से मैं मिलाते हुए, देखिए कुछ इस तरह से मिलाते हुए पोनी बनाते जा रही हूँ। अभी देखिए इसका स्पीड मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है क्योंकि वो सेम पैटर्न से ही मैं बना रही हूँ। तो ये भी ख़त्म हो गया लास्ट तक, तो इसको भी हम जूड़े के पास ले जाके सेट कर लेंगे। इसको भी पिन से सेट कर लेंगे अच्छे से, बस हेयर स्टाइल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जो कुछ भी फिनिशिंग टच देना है थोड़ा बहुत, उसके बाद हम दे देंगे। एक्चुअली ये जो हेयर स्टाइल है ना, ये पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है, मैं बनाती हूँ इसको। कोई भी पार्टी फंक्शन अटेंड करने के लिए ये बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल मुझे लगता है। अभी देखिए मैं बालों को थोड़ा खींच के उसमें ढीलापन ला रही हूँ। थोड़ा वो पहले जो है वो बहुत चिपका हुआ था, अभी ये थोड़ा फुला फुला लुक देगा, तो बहुत अच्छा एक लेयर वाला लुक आता है इसमें, तो आपको चेहरे को थोड़ा भारीपन देगा ये लुक। ये फूल वगैरह भी मैं लगा लेती हूँ उसका फाइनल लुक के लिए, गंगूबाई का। तो ये लुक एक्चुअली, ये हेयर स्टाइल एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली क्यों पसंद है वो भी मैं बता देती हूँ। ये एकदम ट्रेडिशनल लुक, हैवी साड़ी के साथ भी जाएगा ये हेयर स्टाइल, और हल्का फुल्का साड़ी के साथ अगर आप इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करना चाहते हो तो भी ये हेयर स्टाइल एकदम से परफेक्ट बैठता है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मेरे सारे नए और पुराने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे प्यारे, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, लव यू।